लड़ने वाले, चलो मीडिया के माध्यम से वाले ना बाबा, औरंगाबाद अपडेट लड़ने वाले हैं ना, औरंगाबाद अपडेट लड़ने वाले हैं, कुछ कहना है, कुछ बातें मुझे कुछ करना है, लड़ने वाले हैं, अभी डिबेट सुन लो, लड़ने वाले सवाल ही नहीं किया। अरे आपने क्या पूछे? मैंने सवाल ही नहीं किया अभी। करे ना, चुनकर कौन आया? अरे यार, चुनकर कौन आया? अरे बाबा, सवाल ही सवाल ये है कि दो मर्तबा कौन चुन के आया? अतुल सावे जी चुन के आया, आए हैं। सही बात, अतुल सावे दो मर्तबा चुनकर क्यों आया? अरे बाबा, आप पूरा सवाल आप सुन तो लीजिए। अरे भाई आदमी ने एक पॉइंट के ऊपर बात समझ जाना चाहिए। ये कहा कि हमने जिनको जीत कर दिया, हमने जिनको जीत कर दिया वो बिल में चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। अब अतुल सावे को तो ना हिंदू पहचानते ना मुसलमान पहचानते। अच्छा, हिंदू भी नहीं जानते कि अतुल सावे है कौन करके। अच्छा, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक साजिश रची जा रही है कि हो सकता है कि अतुल सावे को जो है तो फुलमरी मदर संघ का जो है तो इलाका दिया जाए, और संजय सरसाठ को जो है तो पूर्व का मदर संघ दिया जाए। इसके एक पीछे राज है, यानी किसी एक कैंडिडेट को यहाँ पे चुन के लाने की जो है तो इन्होंने जो सुपारी ली हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा 100%, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 100 सीट गिराने की जो है तो इन्होंने जो साजिश रची है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से आपने देखा कि विधानसभा का कहीं ना कहीं बगुल बचा है और अफरा तफरी मच गई है कि लोगों में एक माहौल है कि अब कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार में बैठेगा, ये जानने के लिए लोग अक्सर आपने देखा होगा बेताब हो रहे हैं। किसको टिकट मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा, कहां से कौन सा उम्मीदवार होगा, देखने के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़ते रहिए। और खास बात ऐसी है, हमने इससे पहले कहा था कि जो उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों से ही हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, चाहे उम्मीदवार फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे उम्मीदवार पुराना सियासतदान हो, कोई भी हो, लेकिन उम्मीदवार से हम लोग जरूर मिलेंगे। उसी के चलते मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो शख्सियत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। भले ही लोग उनको अलग तरीके से जानते हो, लोग उनको किसी भी तरह से जानते हो, लेकिन इनको जानते जरूर है। मेरे साथ साहिब खान पठान मेरे साथ आज मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। और इनसे भी पता चला है कि बीआरएसपी का टिकट इनको पूर्व से विधानसभा औरंगाबाद से फाइनल हुआ है, अब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तबीयत वगैरह अच्छी है माशाल्लाह, मिलके आपसे। अल्लाह जो है तो दुआओं के अंदर हम जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जनता की भी दुआ हमारे साथ में है जी। और तमाम जो है तो औरंगाबाद के पता चला है कि आपको बीआरएसपी का टिकट पूर्व से फाइनल हुआ जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर हो गई, मेरा डिक्लेयर कर दिया पार्टी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पूर्व से जी। और इंशाल्लाह ये बारी को मैं आप जो शोर से इलेक्शन लड़ूंगा, ये तो मेरे डायलॉग पहले से ही है। आप जानते हैं कि आप साहिब खान पठान जो है तो हर बार बार बोलते रहते हैं कि बहुत जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप जरूर लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे, लड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक खास बात आपकी मुझे नजर आई है कि आप ऐलान बड़े बड़े करते हैं लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते बाबा, ये लोगों की शिकायत है। क्योंकि आपने अभी ऐलान किया कि हम दिल्ली जाएंगे और उसके अलावा कामों को लेकर ऐलान करते हैं, लेकिन पूरे नहीं उतरते उसके ऊपर, आप क्यों ऐसा करते हैं? आप देखो, मैंने जो काम लिया हूँ हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसको पूरा किया हूँ, 100% किया हूँ। और कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे भाई आपने बोला था कि भाई आप जो है तो जंतर मंतर पर बैठेंगे, दिल्ली आने वाले हैं, तो कुछ वजहत रहती है इसके पीछे भी, कुछ कारण रहता है, कुछ पर्सनल काम भी है, ये सिर्फ सियासतदारी नहीं है, लेकिन कुछ वजह से जो है तो मेरा रुकना हुआ। लेकिन इंशाल्लाह जरूर जो है तो इलेक्शन के बाद मैं जंतर मंतर पर जाऊंगा, और जो कानून के लिए मैं लड़ा हूँ, जो बिल पास कराने के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो शान में गुस्ताखी जो लोग करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की जात से ये बिल मैं पास करा के रहूंगा। अच्छा बाबा, आपकी लड़ाई किससे है, किससे आप लड़ना? नहीं, लड़ाई मेरी किससे नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं किसी को जो है तो बहुत जोर शोर से उनका जो है तो नाम लूं क्या फलाना जो है तो पहले जो है तो मैं गुजरता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, मैं मेरे जो पूर्व से लड़ रहा हूँ, मैं मेरे काबिलियत के ऊपर लड़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो मेरे काम है पूर्व के अंदर नहीं, मेरे तो शहर में ही काम है। हाँ? पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में काम करता हूँ। अरे अभी दो दिन की बात बता रहा हूँ, बताइए कुछ काम की नहीं है। देखो, घाटी जैसा मैंने काम किया, घाटी आपने बनाया? बनाई नहीं, हाँ। घाटी बनाई नहीं, बनाने ही नहीं, घाटी में जो सहायता दिलाया हूँ मैंने। अच्छा, जो आज 2 रुपए का इंजेक्शन भी लाने को बाहर से जो तो वहाँ पे चिट्ठी लेके जाती थी, लेकिन आज देख लो, मायना कर लो आप, नहीं बिल्कुल आज भी लिखे जा रही है, जाके देख लो, नहीं लिखे जा रही, नहीं नहीं लिखी का कितनी जा रही है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए पहले आप तहकीकात कर लेना, वहां जाके फिर मुझे इल्जाम लगाना अपने आपकी मीडिया के माध्यम से, वहां पर उसको ओपन करने का काम करना, क्या कुछ ना कुछ सहायता नहीं मिल रही है? अगर से कुछ भी सहायता नहीं मिल रही होंगी तो ओपन आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये मेरा जो है तो बायोडाटा ओपन करने का काम आपकी मीडिया के माध्यम से बिल्कुल कर सकते हैं आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको वहां की सहायता मिली है, सहायता कहीं ना कहीं तो मिली है,
जो उनको जो है तो हजारों की तादाद के अंदर जो है तो उनको दवाई लाना पड़ती थी, लेकिन अब हजारों की नहीं, अब 200-250-300 रुपए के अंदर उनको लाना पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि 2 रुपए के इंजेक्शन लाने बाहर लाना पड़ता था, बोला ना मैं आपको सहायता मिली है, मैं ऐसा नहीं बोला, टोटल सुन लीजिए, सुनो आप मेरे अल्फाज पहले सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, आप अभी आप कह रहे हैं कि 250-300 तक की सामान लाना पड़ रहा है, सिर्फ इतना ही सामान लाना पड़ रहा है जब से आपने मेहनत की, उससे पहले 2 रुपए के इंजेक्शन भी लाने के लिए बाहर भेजते थे, तो 2 रुपए ज्यादा या 250 रुपए ज्यादा? आप सुन लीजिए 2 रुपए के इंजेक्शन भी, 2 रुपए का इंजेक्शन भी, जबकि 5-5, 10-10 हजार रुपए की, 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की दवाओं पे लिखे जाती है। सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं सहायता मिली है, सहायता जरूर मिली है और अच्छी खासी सहायता मिली है, आप जाके जांच कर सकते हैं, अच्छी सहायता मिली है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि जैसा आप। हाँ, एक चीज मुझे बताइए, चलिए ये उसके अलावा और क्या काम है, जैसे घाटी का काम, चलिए देखो मुबारक आपने काम, रक्षे वालों को जैसे मैंने कई मर्तबा आंदोलन छेड़ा सिटी के अंदर, जैसा पूर्व की बात बोल रहे हैं, नहीं आप, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, कई मर्तबाना रिक्शे वालों के लिए जद्दोजहद की, उपोषण में बैठा उनके लिए जो तो मोर्चे निकाले, उनके लिए जद्दोजहद की, उनसे लिए, उनके लिए हमने बड़े बड़े अधिकारियों से बात की, यानी आरटीओ से बात की, यानी पुलिस, यानी ट्रैफिक पुलिस से भी हमने जो इसकी बात की, वो तमाम उनको सुविधा दिलाने के काम की हमने, और कई जो है तो उनको जैसे ऑनलाइन पावती थी उनके ऊपर लाखों, एक ऊपर 25-30 हजार रुपए थे, वहां उनको मुआवजा दिलाया और माफ कराए, कहीं ना कहीं पूरी माफ करवा दिया, पूरी नहीं कराए, कहीं ना कहीं कराए, अच्छा जरूर कराए उसके लिए, और क्या काम रहा? हाँ, तो हर जगह हमने जो तो आंदोलन छेड़े, कब्रस्तान के लिए मैंने आंदोलन छेड़ा, उपोषण के बैठे, तो तमाम हमने जो तो नशा मुक्ति काम है, सुन लो, नशा मुक्ति अभियान मैंने पूरे महाराष्ट्र लेवल पर चलाया हूं। काम आप गिन रहे हैं, सारे काम अपने इलेक्शन लड़ने के? नहीं, मैंने देखो, मैंने खिदमत के लिए, मेरे को जज्बा है खिदमत करने का, इलेक्शन का कोई इसमें मुद्दा नहीं है, मेरा मकसद है खिदमत करना जनता की और जनता की सहायता करना, ऐसा नहीं कि जो जो पाखंडी नेता जो है तो जैसा बोलते हैं ना, 5 साल में एक मरतबा बिल में निकल, बिल से निकल कर जो है तो मार्केट में आता और 5 साल के बाद फिर बिल में घुस जाता, मेरा वैसा मामला नहीं है, मेरा 24 घंटा जनता के अंदर मेरा सेकुलर काम है, मैं जनता का लीडर हूँ। एक सवाल मेरा ऐसा है, पूर्व विधानसभा में कितनी वोटिंग है टोटल? देखो पहले तो तकरीबन 1-1.25 लाख रुपए थी, अभी हाँ 1,05,000 कुछ तो थी पहले, अभी तकरीबन ये बारी में 5 साल के अंदर, सुन लीजिए, पूरी वोटिंग 1,05,000 थी मुस्लिम की। हाँ, मुस्लिम की बात कर रहा हूं। नहीं मेरे सर, मैं आपको पूरी बात ही कर रहा हूँ, टोटल वोटिंग की, टोटल की। हाँ, वो टोटल का मत पूछो मुझे, वो टोटल, सुन लीजिए मेरी बात, कोई भी नहीं जानता टोटल, कोई भी बता सका, अभी जो बड़ी हुई, अभी यादी जो अभी की जो बड़ी हुई है ना, अभी वो याद संहिता लग गई है, वो यादी मेरे तक नहीं आई, अभी तक मेरे पास वो याद लग गई, हाँ लगी मानता हूँ, तो फिर आपको पता, सुन लीजिए मेरी बात, ये यादी मेरे पास अभी नए जो यादी जो है तो 5-6 साल के अंदर जो नए जो तो नाम जो है नोदनी हुए, जो नए जो मामले जो हुए हैं ना, वो अभी उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आया, आया हूँ बहुत से नेताओं के पास, आ गया हूँ बहुत से लीडरों के पास भी, आया हूँ बहुत से लीडरों के पास, यादें भी आ गई। कितनी थी पिछले 5 साल? पहले 19 में कितनी थी? चलिए वो बताएंगे इंशाल्लाह, मैं पहले इलेक्शन नहीं लड़ रहा था ना, मैं लोकसभा विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, सुन लीजिए पहले मेरे को लोकसभा में कितनी, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुन लिए, मेरे को जो है तो कोई इलेक्शन लड़ने का मेरा इरादा भी नहीं था पहले, ना नगर सेवा का लड़ने का था, आज से 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ना मेरे को विधानसभा का लड़ने का था, ना मेरे को लोकसभा का लड़ने का था, इसमें बारे में सुन लीजिए, हाँ ये बहुत मुद्दे की बात पूछी, ऐसी बात पूछो, अब उबाल क्यों आया? तो हमने जो है, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, यहाँ पर बैठिए यार बाबा, ठीक है कोई बात नहीं है, अब जैसा आपने पूछा है अब उबाल कैसे आ गया, अब उबाल इसलिए आया कि हमने हर नेता को जो है तो औरंगाबाद में चुन कर लाने के बाद उनका काम देखे, आज उनका काम हमको पसंद नहीं, हमको नहीं जनता को भी नहीं पसंद, किसका काम पसंद नहीं है? वो नाम नहीं लेता हूं, मैंने बोल दिया ना पहले, नाम किसी का मुझे लेना नहीं है, सर्वे का काम किया है क्या? अरे भाई हम नाम नहीं ले रहे, बोले ना आपको, हमने जिसका काम किया तो हमको हमारी नाराजगी तो हम जाहिर करेंगे, अपने अब्दुल साहब साहब का काम किया, नहीं हमने काम करे, किसी का भी करे होंगे, काम करे अच्छा करे, ईमानदारी के साथ में करे, आपने सुनी ना मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए आप, हमने काम नहीं करने दे रहे, सवाल करूं या नहीं करूं? करो ना आप, लेकिन रॉन्ग साइड में अतुल साहब को क्यों सपोर्ट करेंगे हम? अरे तो क्यों करेंगे अतुल साहब को सपोर्ट, और अतुल साहब को क्यों सपोर्ट करेंगे? उनके कौन आया दोबारा से, कौन चुन? अरे बस चुन के आया वो सवाल समझ लो आप, अरे सुन लीजिए सवाल समझ लो आप, अरे सुन लीजिए सवाल समझ लो आप,
सवाल सुन लीजिए, आप एक मिनट सुन, नहीं पहले सवाल सुनिए कि नहीं, आपने क्या बोले? अरे आप कर कौन है? अरे आप ज्योतिष है, सवाल क्या? सवाल का पूरा मालूम है क्या? मैं सवाल, आपने क्या पूछा? सवाल ही नहीं किया मैंने। आपने क्या पूछे? मैंने सवाल ही नहीं किया अभी। करे ना, चुनकर कौन आया? अरे चुनकर कौन आया? सवाल ही है कि दो मरतबा कौन चुन के आया? अतुल सावे जी चुन के आया आए हैं। हाँ, दो मरतबा अतुल सावे जी चुन के बराबर। आप अभी क्या कह रहे हैं? सुन लो, सुन लो, अतुल सावे चुन के क्यों आया सुन लो जी, मैं बता रहा हूँ, मैं साक्षीदार गवाह इसके अंदर। जब मुझे जो है, जब डॉक्टर गफ्फर कादरी साहब इलेक्शन के अंदर खड़े थे, सुन लीजिए, तो मुझे कटकड़ी गेट के ऊपर कई लोगों ने पकड़ कर जो है तो कहा था कि साहब साहब आप डॉक्टर साहब का काम करेंगे तो तुम्हारी दुश्मनी हमारी बहुत खतरनाक लग जाएंगी। ये अल्लाह को गवाह रखकर बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह को गवाह रखकर बात कर रहा हूँ। ये डॉक्टर सुन लीजिए, आप तुमने आपने जैसा सवाल है ना, तो आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैंने सुन लिया, दो मरतबा सुन लीजिए, सवाल सुनी नहीं। अरे सुनो, अरे सुनो जी, सुनो एक मिनट, दो मरतबा आपने क्या बोला कि अतुल सावे चुनकर आया, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, चुनकर आने का मकसद क्या है, सुन लो, सुन लो, खामोश। इसलिए चुनकर आए हैं, ये तुम्हारा मेरा ईमान है कि अल्लाह की तरफ का जो मसला था वो चुनकर आए? नहीं नहीं, जीत हार किसकी तरफ लगी हुई है? आपने इससे पहले कई मरतबा कहा गाफिल की मदद नहीं करता। तो गाफिल कौन रहा? सबने इलेक्शन लड़े हैं, अपना जोर लगा के। गफलत की जिंदगी गुजरी, जवाब दूंगा आपको, उसका भी जवाब दूंगा। जैसे आपने पूछे लोकसभा में आप इलेक्शन क्यों हारे, उसका भी आपको मैं जवाब दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात, पहले आप खड़े रहिए जरा, थोड़ा कैसा है, आप जो है ना मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जैसा तुमने लोकसभा का, इसका पहले जवाब आप जो है तो विधानसभा का और आने वाला विधानसभा में दो मरतबा चुनकर अतुल सावे कैसे आया, मेरे से पूरी तफसील लीजिए। आपसे तफसील ले, मैं क्यों लूं आपसे तफसील? आपने जवाब मांगा, आपसे बात करने आया, जवाब मांगे जी के बारे में, जवाब मांगे, आपने जवाब सवाल किया तो उसका जवाब उसने, आपने सवाल सुन लीजिए, आप सवाल नहीं समझ रहे, आपने सवाल किया उसका जवाब नहीं समझ रहे। अरे आपने सवाल किया, क्या सवाल किया? आपने सवाल किया कि अतुल सावे दो मरतबा चुनके क्यों आया? मैं वो सवाल नहीं सुन लीजिए, मेरा वो सवाल नहीं। एक मिनट, आप नहीं, आप एक मिनट ठंडे हो जाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठंडा हो, बिल्कुल ठंडा हो जाइए, आप सुन लीजिए, ठंडे हो जाइए। नहीं मैं जवाब दूंगा, पहले आपको जवाब सुनना होगा, आपको जैसा सवाल आपने करा आपको सुनना। अरे बाबा, आपने सवाल नहीं, आपने सवाल करा, सवाल तो समझ लीजिए। नहीं नहीं, वो एक सवाल क्या था? अच्छा सवाल क्या था ये बताइए, अतुल सावे दो मरतबा चुनकर क्यों आया? अरे बाबा, आप पूरा सवाल आप सुन तो लीजिए। नहीं, अरे भाई आदमी ने एक पॉइंट के ऊपर बात समझ जाना चाहिए। ये कहा कि हमने जिनको जीत कर दिया, हमने जिनको जीत कर दिया वो बिल में चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो जिस मतदार संघ से आप लड़ रहे हैं दो मरतबा, वहां पर अतुल सावे जी उसका जवाब दे रहा ना आपको, सुनिए ना पहले, अतुल सावे जी चुनकर आए हैं तो क्या आपने उनको चुन के दिया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बस जवाब तो देना है ना, क्यों आया नहीं दिया? नहीं नहीं, अरे भाई जवाब मांगना पड़ेगा जनता के सामने। नहीं बिल्कुल, जवाब आपने जैसा सवाल किया उसका जवाब लो आप। हाँ, मेरे से हाँ। जबकि मेरे को इम्तियाज अपने जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को जब इलेक्शन में खड़ा किया गया, ये कहते ना क्या भाई गद्दारी करके डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने, कौन बोलता है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब गद्दारे करके? आज तो मैं हालांकि उनके अपोजिशन में हूँ, उनके खिलाफ उनके साथ में लड़ रहा हूँ, लेकिन हक बात करूंगा, हक बात करूंगा मैं। देखो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने शुरू से आज तक खुद अपनी जाति खर्चे से जो है तो इमाम को बढ़ाने के काम किया। सुन लो मेरी बात, पूरा जवाब दे रहा हूं, शुरू से आखिरी तक डॉक्टर साहब ने जो है तो खुद पैसे, लोगों ने पैसे कमाए, डॉक्टर साहब ने अपनी जाति खर्चे से पैसे लगाया। वो डॉक्टर साहब ने ईमानदारी से काम किया, जब जो ईमानदारी से काम करने वाले को जो है तो साथ में रहकर जो तो पार्टी को बढ़ाने का काम करता, जब ये पार्टी उनकी नहीं हुई तो हमारे जैसे आम जनता की क्या होगी? हमारे जैसी आम जनता को तो बेवकूफ यानी कहीं भी जो तो लात मार कर हकल दिया जाएगा। जब इतने बड़े नेता की वहां पे इज्जत नहीं है, जो औरंगाबाद शहर में नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर नाम रखने वाला शख्सियत, जो वहां पे उसकी अहमियत नहीं है, तो हमारे जैसी की क्या अहमियत रहेंगी? इसलिए जो डॉक्टर साहब जब इलेक्शन में खड़े थे, सुन लो, डॉक्टर साहब इलेक्शन में जब खड़े थे तो ये लोगों ने जो है तो यहाँ पे नारेगांव के अंदर कुछ लोगों को पैसे देकर जो तो वोट मारा, इसमें नोटों के ऊपर वोट मारा गया था। सुन लो मेरी बात, और दूसरी बात जो है तो कई लोगों को जो है तो उनके अपोजिशन में खड़ा किया गया और कई लोगों को पकड़ कर कहा गया कि देखो तुम डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का काम करेंगे तो तुम्हारी हमारी दुश्मनी जिंदगी भर के लग जाएगी। ये हकीकत मैं बयान कर रहा हूँ। और जैसा आपने सवाल पूछा मुझसे कि वाकई में जो है तो आप इलेक्शन लड़ रहे तो क्या आपने अतुल सावे को समर्थन किया? नहीं, हमने अतुल सावे को समर्थन नहीं किया साहब। आज दो है तो एमआईएम का जो है तो आज नहीं, दो मरतबा जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी
बिल्कुल 100% एमएलए रहते, लेकिन हमारे कुछ खुद गर्ज लोग जो हमारे साथ में जो तो हमारी पार्टी को अपने अपने अकायद बोलने वाले लोग हैं, इन्होंने जो तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को गिराने का काम किया साहब। ये मेरा खुला चैलेंज के इल्जाम है। पार्टी की बात करिए आप, बीआरएसपी से नहीं, आज मैं हक बात कर रहा हूँ, मैं बीआरएसपी हक बात करने का किसने बोला? बिल्कुल देखो सच्चाई भी बोला आपको बोलने का, जनता को मैं बताऊंगा ना, जनता को तो जनता को आप दूसरे माध्यम से आपके बारे में बताइए। मैं तो देखो बताइए, वादे करके नारेगा में कई बार वादे किए थे आपने, ये सड़कें मैं बना दूंगा, ये रोड मैं बना दूंगा। देखो रोड बनाया, पक्के रोड के नहीं बना वादे किया हो, मैंने पक्के रोड के वादे नहीं किया हो, मैंने कच्चे मुरम रोड के वादे किए। नहीं बता दीजिए, पक्के रोड के वादे बता दीजिए आप, पक्के रोड के वादे बता दीजिए कई मरतबा में देंगे आप, मैंने आपके स्टेटमेंट है बताइए, सड़क बताइए, एक मीडिया के माध्यम से बताइए बाबा। ये बात मत देखो, मैंने जो काम लिया हाथ में, मैंने मुरम डालने का काम का जो तो बोला आप जनता के अंदर वो काम किया हो। अच्छा मैंने आधार कार्ड, सुनो आधार कार्ड मैंने सारे सुन लीजिए, मेरे काम ये ना रहा हूँ ना भाई, मेरे आधार कार्ड मैंने 8,500 आधार कार्ड फ्री फेंड में बनाया हूँ, इलेक्शन कार्ड मैंने 4,000 से 5,000 रुपए बनाया हूँ, पोल लड़ने का काम मैंने नारेगांव के अंदर किया हूँ, तार फेंसिंग का काम किया हूँ, और तमाम जो है तो विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, वहाँ पर बीजेपी से जो अतुल जी सावे वहाँ पर है पिछले दो बारी से वो रहे, हाँ। तो आपको उनके काम को देखकर आप क्या क्या कहते हैं आप? अब अतुल सावे को तो ना हिंदू पहचानते ना मुसलमान पहचानते, अच्छा हिंदू भी नहीं जानते कि अतुल सावे है कौन करके। अच्छा अतुल सावे दो ही मरतबा अतुल सावे साहब का ऐसा हुआ कि ना हिंदू के काम आए ना मुसलमान के काम आए, कोई समाज के काम आए। अतुल सावे का ये आज कार्यकाल के अंदर 10 साल के अंदर अतुल सावे का रिकॉर्ड खोल कर देख लो, किसी भी आप समाज की पार्टी में जाओ, ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, तमाम हिंदू की भी बात कर रहा हूँ, मेरे हिंदू भी मेरे भाई है, और तमाम जो है तो दलितों की भी मैं बात कर रहा हूँ, दलित भी मेरे भाई है, और मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ, तो तमाम समाज का जो है तो आप कार्यकाल ले लो, कोई समाज के अंदर जो है तो अतुल सावे ने जो कभी दौरा नहीं किया और उनके कोई सहायता नहीं की। अच्छा इसलिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब हर समाज के लिए काम आऊ। अच्छा मेरा आखिरी सवाल ये है, इलेक्शन लड़ेंगे या फिर किसी को सपोर्ट कर देंगे? नहीं इंशाल्लाह ये बारे को इलेक्शन लड़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह के जात से, अल्लाह जो है तो लोग आज भी देख रहे हैं ना क्या आज। अब एक बात बता दो मैं मुद्दे की, तुम बोलेंगे किधर भी भटक रहे तुम, लेकिन मैं मुद्दे की बात तो पब्लिक की भी समझ में आना चाहिए चाहिए। आप इलेक्शन सुन लिए बैठेंगे, दो बात करिए। अरे मैं लड़ूंगा, कोई और बात मत निकालिए यहाँ पर। नहीं नहीं मेरे को बोलना बहुत हो रहा है, नहीं होने दीजिए, होने दीजिए, टाइम बहुत हो रहा है, होने दीजिए, नहीं होने दीजिए, ना बोलिए, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ना है मुझे, बात खत्म। सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप, लड़ेंगे नहीं सुन लीजिए, लड़ेंगे सपोर्ट, देखो तुम किधर भी मत जाओ, नहीं लड़ेंगे सपोर्ट करेंगे, लड़ना है मुझे बस, बात सुन ली, नहीं लड़ लेंगे ना। अरे भाई देखो हकीकत बयान करना, आप लड़ेंगे ना, देखो हकीकत बयान करना, लड़ेंगे ना, लड़ना है मुझे, आपको लड़ना है ना, लड़ना है बस, लड़ना है, नहीं नहीं मुझे सुन लीजिए, नहीं लड़ रहे हैं आप, लड़ रहा हूँ मैं बस, बात खत्म ना, बात कैसे खत्म, ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं, लड़ना है मुझे, लड़ना है। तो अभी क्या करेंगे, बोलेंगे क्या मैं उतर रहा हूँ मैदान में, अस्तित्व मैदान में, मैंने जैसा लोकसभा के इलेक्शन का समर्थन किया उसके बाद से मैंने ऐलान कर दिया हूँ। बात पूछ रहा हूँ, सुन लो मैं आपको, सुन लो आप लड़ने वाले, सुन लो मीडिया के माध्यम से वाले ना बाबा, औरंगाबाद आप लड़ने वाले हैं, औरंगाबाद आप लड़ने वाले हैं, कुछ कहना है, कुछ बातें मुझे कुछ करना है, लड़ने वाले हैं, अभी डिबेट सुन लो, लड़ने वाले हैं, लड़ने वाला हूँ, डिबेट सुन लीजिए, नहीं नहीं एक मिनट, एक मिनट, नहीं नहीं खामोश बैठी है। देखो तमाम मेरी जो है तो जनता से मेरी अपील है, अब डिबेट तो खत्म हो चुकी है, डिबेट का मसला खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ जनता के सामने कुछ पैगाम पहुंचाऊं। देखो मेरे भाइयों, मेरे महाराष्ट्र की जनता से मेरी अपील है, देखो आज एक थोड़ी सी पॉइंट की बात बताता हूं कि एक ऐसी साजिश रची जा रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक साजिश रची जा रही है कि हो सकता है कि अतुल सावे को जो है तो फुलमरी मतदार संघ का जो है तो इलाका दिया जाए, और संजय सरसाट को जो है तो पूर्व का मतदार संघ दिया जाए, ये साजिश हो सकती है। एक प्लानिंग में मेरे एक तजुर्बे के एतबार से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक राज है, इसके एक पीछे राज है, यानी किसी एक कैंडिडेट को यहाँ पे चुन के लाने की जो तो इन्होंने जो सुपारी ली हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा, 100% और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 100 सीट गिराने की जो तो इन्होंने जो साजिश रची है, तो इनको हमको नाम काम करना है। तो तमाम मेरे हिंदू मुस्लिम दलित भाइयों से एक अपील है पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि अब कल को ये एक पोजीशन ना बन जाए, यूपी जो है तो आज महाराष्ट्र जो है तो यूपी ना बन जाए, वही हाल हो जाएगा। अगर से सूझबूझ से काम लेना होगा सबको, और ऐसे काबिलियत से नेता को चुनकर लाना होगा जो हमेशा 24 घंटे आपके साथ में रहता है, और 24 घंटे आपका विकास करता है, और नहीं एक मिनट 24 घंटे आपके साथ में रहता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल में एक मरतबा जो तो बिल में से निकला और फिर जो है चुन कर आया और बिल में घुस गया, ऐसे नेता की हमको गरज नहीं है, और ऐसी चापलूसी करने वाले की नेता को जो है तो सावधान रहिए, और ऐसे लोगों से बचिए,
जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान का माहौल खराब होते हुए आज देखो उसको हमको देखते हुए इसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए हमको हर बात को सोचना है और इसके जो आगे हमको ख्याल करना है। ये थे साहिब खान पठान साहब, जैसे इनका ये मानना है कि बीआरएसपी से इनको टिकट मिल रहा है और इस बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने वोट इनको मिलेंगे और कितना ये जो है इस बार विधानसभा इलेक्शन पर टिके रहेंगे। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार में रहेगा और क्या होगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन जिया उलहक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। है दोस्तों, मैं आपका मुंडिया यादव। हाँ दोस्तों, ये औरंगाबाद का फर्स्ट चैनल है, सबसे ज्यादा सत्तावर है औरंगाबाद अपडेट्स। तो ये चैनल को ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों, ये चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए।